हाय एलेक्स, तुम तो बहुत डरपोक निकले। हमें खतरे में डालने के बाद तुम दबा के यहाँ अपने घोंसले में आकर छिप गई। इतनी हिम्मत भी नहीं कि हमसे आंखें मिला पाओ। अरे खेल खत्म हो गए, और भी कुछ बाकी है? क्योंकि अगर और कोई खेल है एलेक्स, यू बेटर प्ले इट नाउ, क्योंकि इसके बाद मैं अपना खेल शुरू करूंगा। और एक बार मैं अपना खेल शुरू करूंगा एलेक्स, तो तुम्हें भागने के लिए जगह नहीं बचेगी। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शो बिल्कुल फ्री सिर्फ Zee5 पर। अभी Zee5 ऐप डाउनलोड करें। खैर, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देना चाहता हूँ, सच बोलने का मौका। यहाँ अभी इसी वक्त मेरे सामने सब कुछ सच सच कह दो, और अगर नहीं कहना है तो तुम्हें अदालत में तो सच कहना ही पड़ेगा, और वहां आई विल सी टू इट कि तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा हो, तुम्हें घसीट के जेल में फेंक दिया जाए। और मैं सब कुछ कहूंगा उनसे, कैसे तुमने हमें मैनिपुलेट किया, हमारी जान को जोखिम में डाला, हमें एक ऐसा खेल खेलने पे मजबूर किया जिसमें हमारी जान जा सकती थी, तुमने मेरे पैसे चुराए, फेक इवेंट ऑर्गेनाइज किया। सब कुछ कहूंगा मैं उनसे, सब कुछ, और तब तुम्हें सच कहना पड़ेगा। तुम सुन रही हो ना एलेक्स? सच बोलो एलेक्स, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, सच कह दो एलेक्स। एलेक्स, तुम्हारी ये चुप्पी तुम्हें सजा से नहीं बचा सकती। तुमने जो कुछ भी किया, क्यों किया, यही मौका है एलेक्स। Say the bloody truth and say it right now. Say the... याद रहे
फीलिंग बेटर ना? आई एम फाइन मॉम। मॉम कैसे लगी आपको? तुझे कैसे चोट लगी? इधर आ, पहले तू बैठ आराम से, इधर आराम से। मॉम रिलैक्स ना, मैं ठीक हूँ, पर आप मुझे बताइए ये कैसे हुआ? यश आप दोनों इंजर्ड हो। अरे मैं और यश फैक्ट्री गए थे, बस वो गली में से निकल रहे थे, ऊपर से इतना बड़ा शीशा वो हमारे ऊपर आके गिरा। What? इसने मुझे लास्ट मिनट में धक्का मार दिया, लेकिन इसको देख कितनी ज्यादा चोट आ गई, मैं तो तब भी बच गया। हाँ आंटी, लेकिन अब आप आराम कीजिए, डॉक्टर ने मना किया है ज्यादा बात करने के लिए, और वैसे भी अब जो तो होना था वो हो गया है, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। या आई नो सिद्धार्थ, मुझे ना इस वक्त तुम पर बहुत इरिटेशन हो रही है, कहाँ थे तुम? मैम फॉरगेट इट, तू मुझे बता बेटा क्या हुआ? मॉम कुछ नहीं, वाज जस्ट अ स्मॉल एक्सीडेंट यार। कार एक्सीडेंट और तुम कह रही हो छोटा सा? बेटा अगर क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? इट्स अ चोट, मैं गिर गई। बहुत गरीब इंसान है ये। इट्स अ शट अप, मैं मॉल से घर आ रही थी और अचानक मैंने देखा नीचे तो इतना सारा ऑयल था। अरे तू घर पे ले आती ऑयल? कैसो, इट्स अ शट अप, पहले एक्चुअली ऑयल नहीं था, फिर ऑयल था, फिर मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और मैं ऐसे ऐसे फिसल गई। ये सब कुछ बहुत वियर्ड लग रहा है, यू नो सब लोग एक ही साथ कैसे इंजर्ड हो सकते हैं यार? यहां से निकलो वरना अब से ठीक आधे घंटे के बाद तुम कुछ कीमती खो दोगे सर। एक बटन दबाते ही सारे रिश्ते और जिन रिश्तों पे तुम्हें नाज है ना वो एक झटके में कर रहे हैं सब कुछ। कौन है? क्या हो गया तुझे, इतना परेशान क्यों दिख रहा है? सब ठीक तो है? हाँ। What's going on? है सब। No, हाँ, of course, सब सही है यार। वो बस जरा ऑफिस की थोड़ी टेंशन है, तो मैं अपने परिवार को लेकर बहुत डरा हुआ यार। जो कुछ भी पिछले कुछ दिनों में ये जोकर मुझे दिखा रहा है बार बार, I'm very scared. Anyway, अच्छी बात ये है कि अब ये बात तू भी जानता है, तो बस घर में जो कुछ भी हो रहा है उस पर तू भी नजर बनाए रख, अगर कुछ पता चलता है तो मुझे पता। Let's fight this together. तू चिंता मत कर, हम दोनों मिलके इस सिचुएशन को संभाल लेंगे। मैं यहाँ पर देखता हूँ, तू घर जाके देख कि वहाँ पर सब कुछ ठीक है कि नहीं। घर? हाँ राइट राइट, थैंक्स थैंक्स। वो क्या है यार ये, मुझे बॉडी गार्ड्स की जरूरत नहीं है भाई, वो मेरी बॉडी बिल्कुल फिट है, मैं सुबह शाम योगा जो करता हूँ। कम ऑन डैड, कैसी बातें कर रहे हैं आप, ये जरूरी है भाई। अरे बिजनेस इतना ग्रो कर रहा है, यू राइडिंग ऑन सच अ बिग बिजनेस, आप जलने वाले हजार लोग होते हैं, तो अगर आपको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी तो और किसको पड़ेगी? मिसेस कुराना। हाँ जी। मुझे लगता है कि आपका बेटा आज ना मेरा हॉरोस्कोप देख के आया है, और हो सकता है उस हॉरोस्कोप में लिखा हो कि मेरे ऊपर कोई हमला होने वाला है, इसीलिए। मिस्टर खुराना आप भी ना, सिर्फ क्या है ये सब? एक ये देखो, मैन 1/2। अरे बाबा जी ये वीडियो देखो ना कितनी फनी है, और जोकर ने तो कमाल कर दिया, देखो देखो। What? दूर खिलोगे बच्चों तो मिलेगी शक्ति।
ये रहा कुछ मतलब है इसका? कहीं जोकर मुझे किसी बात के लिए फोन तो नहीं कर रहा है? पिछली राइम में कुछ बच्चों को लेकर बात थी और इस बार कहीं आयशा को लेकर हिंट तो नहीं कर रहा है मुझे? गॉड, आयशा, गॉड आयशा। हाँ, कॉफी टाइम। भाई क्या है वो? मैं कॉफी पीने जा रहा हूँ, किसी जंग पे नहीं जा रहा। आप लोग क्यों आ रहे मेरे पीछे? हमारे बॉस का ऑर्डर है कि आपको गार्ड करने के लिए। आपको जिसने मुझे गार्ड करने के लिए भेजा है ना, मैं उसका बाप हूँ, बाप। और वो बाप आपको ऑर्डर दे रहा है कि जो मैं कहता हूँ वो कीजिए। जाइए, गो गो। ओके सर। ओह गॉड, कमाल हो गया भाई। अपने ऑफिस में अपनी मर्जी से आप कॉफी नहीं पी सकते? क्या चल रहा है सिद्धार्थ? आज कितनी एम्बैरेसमेंट हुई है यार मॉम को, सिर्फ तुम्हारी वजह से। हर बार मॉम के प्लान्स, उनका विजन, उनकी होप हमेशा मार देते थे। चल क्या रहा है यार, तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, अभी क्या हो गया? ऐसा क्या कर दिया है मैंने? हर बार क्या यार, कितने सवालों के जवाब देता रहा हूँ मैं यार, और कितना करता रहा हूँ मैं? मेरी अपनी रीजंस भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, गेट द होल पॉइंट यार। या बट मैंने बाहर अपनी आंखों से देखा है जो कुछ भी हो रहा है यार। क्या देखा है तुमने? जब तक तुम मुझे बोलने का मौका नहीं दोगी, तुम क्या बोलने का मौका दूं? अरे मॉम ने भी कुछ सोच समझ के ये सब किया होगा यार, एंड यू जस्ट केम। हाँ, वो सोच समझ के रखती होंगी, लेकिन मैं तो पागल हूँ ना, मैं बेवकूफ हूँ, गधा हूँ, मेरा दिमाग नहीं है ना, मैं दुश्मन हूँ तुम दोनों का। पहले तुम्हारे सवालों के जवाब दो, फिर उनके सवालों के जवाब दो। क्यों भाई, मेरी वजह नहीं हो सकती? मेरे रीजन नहीं हो सकते? ये जो कुछ भी हो रहा है, जो जैसे मैं बिहेव कर रहा हूँ, उसके लिए मेरी भी तो वजह हो सकती है ना। अब ऐसा है, जो मैं बोल रहा हूँ या तो चुपचाप वो मान लो, नहीं तो मैं वाकई नहीं जानता मैं क्या कर दूं अब। पापा, क्यों मामा को गुस्सा कर रहे हो? मत करो मामा को गुस्सा। अच्छा, व्हाट इज दिस? तुम्हारे पापा और मामा बात कर रहे हैं ना? जब बड़े बात करते हैं बीच में नहीं बोला करते, जाओ दूसरे कमरे में। पहले मामा को सॉरी बोलो। आयशा, ये क्या तरीका हुआ? कोई डिसिप्लिन है कि नहीं है? मैंने कहा ना कि तुम्हारे पापा और मामा बात कर रहे हैं, गो टू द अदर रूम। I'm sorry. I don't know मैं इस तरीके से react क्यों कर रहा हूँ मैं। रोशनी मेरी बात सुनो। रोशनी, just listen to me. रोशनी, मैं पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ रिपोर्ट लिखवाने के लिए। सिर्फ मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। चल। डैड की आवाज है। डैड, सिट, मैं यहाँ हूँ। डैड, सिट, ये तो, ये भगवान, ओ गॉड, डैड, ठीक तो है ना? चलिए चलिए प्लीज। मैं लिफ्ट में फंस गया और कॉफी भी नहीं पी पाया। डैड, आप ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? ऑल ओके राइट?
क्योंकि मैं बहुत टेंशन में था, बहुत गड़बड़ है यहाँ पे। नहीं गड़बड़ तो है। एक्सक्यूज मी सर, आपकी कॉफी। ये लीजिए, अब पीजिए कॉफी। दूध पियोगे बच्चों तो मिलेगी शक्ति, और करोगे तुम निशुम 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 निशुम। डट डट। सिद क्या कर रहा है तू? तुम यहां सो जा, मैं बाहर सो जाता। मुझे हर पल हर मिनट ऐसा क्यों लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है, जैसे किसी की नजर है हम पर। यह सिर्फ मेरे दिमाग का फितूर है या सच? कुछ भी हो जाए मैं अपने परिवार पर आंच नहीं आने दूंगा। वो कौन है जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है? और इस वजह मुझे पता करना पड़ेगा, पहले मैं तेरा ये गुरूर तोड़ूंगी, मैं तुझे बर्बाद 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 तेरा सब कुछ तुझसे छीन लूंगी, तेरा बुरा वक्त शुरू हो गया। समझा? समझा? कौन हो सकता है? शबनम? नहीं, अपने कान खोल और ध्यान से सुन सेठ, पहली और आखिरी बार कह रहा हूं, रोशनी मेरी अमानत है, उसे तो मैं ले जाकर ही रहूंगा। अगर मैं चाहूं ना तो दो चार थप्पड़ मारकर उसे घसीटता हुआ अपने साथ लेकर जा सकता हूं, लेकिन यह मेरी शराफत है कि अभी तक बहुत प्यार से पेश आ रहा हूं। कुणाल, It's Kunal. No, 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 it can't be Kunal. Kunal और शबनम इस बार छुप के बाहर क्यों कर रहे हैं? गणपत, पॉरिज लेकर आओ फटाफट। चीज़ चिली टोस्ट और मेरे फ्रूट्स एंड स्किम मिल्क। गणपत, किसको क्या चाहिए? समझ में नहीं आ रहा क्या चाहती है वो? गाल पे सॉस कुछ कह रही है। गाल पे सॉस? गाल पे सॉस नहीं होता है, वो गार्लिक सॉस होता है। और कुछ रिसोर्ट खाने की बात कर रहे हैं। गणपत, इडियट, आर यू लिसनिंग? गणपत रिसोर्ट कोई खाता है? रिसोर्ट कोई खाता है? वो रिसोटो है, रिसोटोस। रेशम मामी जल्दी से खाना दो, भूख लग रही है। मैं खाना बना लेती हूँ, अब देखती हूँ। हटो, स्किम मिल्क लेकर आना फटाफट, एंड प्लीज उसको वार्म रखना, गड़बड़ मत करना कुछ। मुझे ऑर्डर्स दे रही है,
खुद को महारानी समझ रही है, खाना चाहिए इसे, अब भी देती हूँ इसे। नाश्ता मांग रही होती देर से, कुछ सुन ही नहीं रहा। गणपत तुम किचन में कर क्या रहे हो? इट्स अ रेडीज। इट्स एक्सक्यूजेस मैडम्स, आज तो मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है, लेकिन अगली बार मैं इसी बेलन से तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। इट्स अ ब्रेकिंग्स। रेशम मामी, आउच, आह, रेशम मामी, व्हाई यू गेटिंग एंग्री? आप गुस्सा क्यों हो रही हो? आपको पता है ना मेरी तबीयत खराब है, और आपने तो खुशी खुशी अग्री किया था मेरे लिए खाना बनाने के लिए। रेशम चाची, इट्स अ ढोकलास, योर जमाई इज डूइंग बहुत जॉब कुकिंग होन हैंड बाय फूड। थैंक यू, इट्स अ जमाई राजास हेल्पिंग योरसेल्फ्स। वाह भाई, गुड मॉर्निंग। ओहो, गुड मॉर्निंग सासु मॉम। खाना हजम नहीं होता तुम्हारा मुझे इरिटेट किए बिना। एक्चुअली सासु मॉम, यू गॉट इट बैंग ऑन। मैं ना अगर आपको तंग ना करूं ना, तो मेरे शरीर के भिन्न भिन्न अंगों में से विभिन्न विभिन्न प्रकार की आवाजें आने लग जाती है। ना चुप कर जाओ, ये तो अजीब जगह से आवाज निकालूंगी। बट ऑन अ सीरियस नोट सिद्धार्थ, देखो मुझे तुमसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत उम्मीद है, होप है तुमसे। हमारी पूरी फैमिली तुम्हें ट्रस्ट करती है, और आज से पहले हमने कभी किसी पर इतना भरोसा नहीं किया। इसलिए जब तुम ये कटे कटे से बिहेव करते हो जैसे आजकल कर रहे हो, मुझे सब कुछ ऐसा लगता है कि सब बिखर जाएगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? एटलीस्ट ट्राई टू बी देयर, या मुझे हमेशा एटलीस्ट पता तो हो क्या हो रहा है, बिकॉज सीरियसली मैं कहीं ना कहीं अंदर से टूट जाती हूँ जब ऐसा होता है। था तो कहाँ मैं ठीक हूँ। आयशा कहाँ है? आयशा कहाँ? आयशा, 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 अरे नाश्ते के लिए कुछ लेकर आओ। थैंक यू किसे चाचू। ओहो, इट्स अ बैड, ये फोन फिर से खराब हो गया। देखो ना केसु, एक नया फोन दिला दो ना प्लीज। हाँ, ये बहुत ओल्ड हो गया है। देखो ना, जब भी ये डॉल के सामने आ जाता है ना, ये ढकार मारने लगता है। देखो ना, देखो वापस आया। जब भी ये फोन ना ये डॉल के सामने आ जाता है, ये नहीं चल। डॉल के सामने आने से फोन में डिस्टरबेंस, हाउ इज इट पॉसिबल? इसका मतलब ये है कि रेशम चाची के फोन में ये डिस्टरबेंस पहले भी आया है। देयर समथिंग नॉट राइट, कुछ गड़बड़ है। इस तरह उस जोकर को इस घर की सारी बातें पता चल जाती थी। अगर वो जोकर एक कैमरा इस डॉल के बटन में डाल सकता है, तो ऐसे बहुत सारे कैमरास इस घर के कोने कोने में डाल सकता है, और उन सारे कैमरास की फुटेज को स्ट्रीम करके वो किसी मॉनिटर पे देख रहा होगा। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। लेकिन जोकर, अब मैं तुझसे एक कदम आगे रहूंगा, मैं तेरा खेल खत्म करूंगा, तेरे चेहरे से नकाब उतार के तेरा असली चेहरा सबके सामने लाऊंगा। ये मेरा वादा है तुझसे। मुझे पिंटू से बात करनी होगी, ताकि अमेज़न जोकर खेल तो अब शुरू हुआ है।
मेरे पास और दो मुझे एक वाइट सी स्माइल, हैप्पी हैप्पी जोकर जोकर ये जोकर हैप्पी होकर ये पापा यू आर द बेस्ट गुड जॉब थैंक यू आयुषु थैंक यू सो 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 मच अच्छा एक अनाउंसमेंट है आप सबके लिए कल हमारे घर में एक तूफानी बच्चा पार्टी होगी जिसमें आयशा के सारे फ्रेंड्स आएंगे खूब खेलेंगे कूदेंगे मजा करेंगे उड़दंग मचाएंगे तूफान मचा देंगे और मेरी आयशा खुश हो जाएगी ये, वो, ये। सिर्फ इतना ही नहीं कुछ और भी है पिछले कुछ दिनों में मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं अब वादा करता हूं कि आइंदा वो गलतियां नहीं होंगी इस घर में जितने भी दिल हैं उन सबके बीच की दूरियों को मिटा दूंगा मैं वादा करता हूं और अपनी आयशा के चेहरे पे बड़ी सी स्माइल ले आऊंगा क्योंकि मैं आयशा के चेहरे पे स्माइल देखने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ बेस्ट डॉटर के बेस्ट पापा गुड जॉब पापा कितना प्यार करते हैं ना आपको कितनी अच्छी पार्टी प्लान कर रहे हैं आपके लिए और भी मजा आएगा है ना हाई फाइव वो जोकर डेफिनेटली मुझे किसी न किसी कैमरे से देख रहा होगा मैंने उसे एक ओपन चैलेंज दिया है और जितना मैं उसे जानता हूं वो जरूर आएगा कोशिश करेगा कि मैं अपने प्लान्स में कामयाब ना हूं बट आई एम वेटिंग फॉर यू जोकर देखते हैं इस बार कौन जीतता है देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ Zee5 पर अभी Zee5 ऐप डाउनलोड करें